तो बोल, मैं देखता हूं। 99 ठीक है, 99 63 हाँ 63। सच में चार नंबर लगे? पहले चार नंबर सब टिकट के एक ही होते हैं। चल तू आगे बोल। 57 हाँ 57 4 4। अरे दूध उबल के गिर जाएगा, गैस अभी आया। अरे रुक, मेरा टाइम अच्छा चल रहा है, देख। अच्छा आगे बोल। 1 हाँ है, 1 है। आखिरी नंबर बोल जल्दी। नंबर 8 नंबर 8। अरे वाह, अरे तेरी लॉटरी लग गई बापू। अरे लग गई, लग गई, अरे लग गई। जैकपॉट कितने का लगा? 15 रुपए का जैकपॉट लगा। नाचना बंद करो। डिकी 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 डिकी। अरे 15 रुपए का कंसोलेशन प्राइस लगा भाई। बुरा टाइम शुरू। 15 की लगी है, मुझे पता नहीं था इसने नाचा। तू क्यों नाचा? जिंदगी में पहली बार तेरे साथ कुछ अच्छा हुआ रे। सही कहा। कभी तो मेरी भी किस्मत का तारा चमकेगा, तब तुम्हें 5 स्टार की चाय पिलाऊंगा। इतनी सारी पॉकेट मनी हमारे खा चुका है, वो कब लौट आएगा? इस जन्म में या अगले जन्म में? चुका दूंगा। कॉलेज जाने से पहले एक बार 1000 का नोट देख पाऊंगा। ओए, एक ही बात करता है, कितनी छोटी सोच है तेरी। ठीक 4 बजे ATM आ जाना, 1000 का बंडल दिखा दूंगा, ठीक है? 10 पैसे 10 पैसे 10 पैसे और 20 50 क्या पैसे? पापा चिल्लर गिनना बंद करेंगे, इन पैसों की आजकल कोई वैल्यू नहीं है। बेटे अगर किसी भिखारी को 50 पैसे दूंगा ना तो वो तो ले ही लेगा, लेकिन तेरी ये कभी ना लगने वाली लॉटरी टिकट भिखारी भी नहीं लेगा, समझा? गरम कॉफी लो और दिमाग ठंडा रखो। माँ मेरा टिफिन। सब्जी पकी है, 5 मिनट रुक जा। 30 40 और आपकी इसी चिंदीगिरी की वजह से मेरी नसीब की तिजोरी नहीं खुल रही है। बाहर जाता हूँ तब चिल्लर गिनते हैं, घर में आता हूँ तब चिल्लर गिनते हैं, भिखारियों से ज्यादा चिल्लर है आपके पास। अरे करम जले, लक्ष्मी माता भी अगर तेरे लिए चेक साइन करेंगी ना तो वो भी बाउंस हो जाएगा। माँ मैं नहीं जानता तेरा नाम क्या है, पर मैं बस इतना जानता हूँ कि तू हमारे खानदान की कुलदेवी है। तूने मेरे खानदान को कड़का क्यों बनाया? किसी को तो अमीर बना दी। छप्पर फाड़ के इस घर में धन की बारिश हो और इनकी आंखें खुल जाए, चमत्कार करवा दे। बालू बैग्स को जरा बाहर रख दो, संभल के। आज तुम 1000 दीपक जलाओगी बेटी? हाँ पंडित जी, मन्नत जो मांगी थी। वाह बेटी, मैंने तुम जैसी श्रद्धा किसी में नहीं देखी। भगवान में अटूट विश्वास है तुम्हारा, तुम्हें जरूर अच्छा वर मिलेगा। परेश रावल, ओ माय गॉड में चिल्ला चिल्ला के थक गया कि अंधविश्वास पर विश्वास करना बेवकूफी है। हमारा काम है ईमानदारी से मेहनत करना और उसका फल ऊपर वाले का जब मूड होगा तब देगा। तू अपनी काली जबान की पनौती मुझे देने के बजाय अपने पास ही रख, आज तू देखेगा मेरी किस्मत कैसे खुलती है। मुझे बाबा जी ने बोला है आज मेरा दिन है, 2000 के लॉकेट के साथ 1000 रुपया बख्शीश दिया है। राशि फल सब्जी फल को भूल जाते हैं, अगर तुझे जल्दी से करोड़पति बनना है तो यही बढ़िया मौका है। गाड़ी में जो मैंने कहा भूल जा। अबे साले, तू क्या दाऊद से मिलकर आया जो मेरे को क्रिमिनल आइडियाज दे रहा है? मेरे ना हो तो करोड़ रुपए नहीं चाहिए, लेकिन अगर मेरा हो तो 1 रुपया नहीं छोड़ता। आ जाओ आ जाओ। ये मेरे बस्ती के बच्चे हैं, इन्होंने इतना पैसा कभी एक साथ नहीं देखा। अगर आप इजाजत दे तो मैं इन्हें पैसे दिखा सकता हूँ। थैंक यू। आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी, देख लो देख लो, जल्दी आओ। क्या हम इन्हें छू सकते? सर बच्चों को बंडल छूकर देखना है, वो छूकर वापस देंगे। मैं हूँ ना, प्लीज सर प्लीज।
थैंक यू सर। अरे नोट तो असली है। वो कहाँ गए? अगर इतना ही कीमती नारियल था तो कोई सिक्योरिटी गार्ड रख लेती। लो रिप्लेसमेंट नारियल केदारनाथ में चढ़ा देना। जी तो करता है ये नारियल तुम्हारे सर पे फोड़कर तुम्हारी चटनी बना दूं। सुनो भाई आपके पैसे गिर गए। वो लोग एटीएम लूट रहे थे। जब एटीएम में पैसे डाले जा रहे थे तो कुछ गुंडे वहां आए और उन्होंने एटीएम को लूट लिया। उनके पास हथियार भी थे। फिर आपने क्या किया?
मैंने उन्हें अपनी जान पर खेलकर पकड़ा। इस बहादुरी के लिए तो आपको इनाम मिलना चाहिए। वो फैसला मेरी कंपनी करेगी, मुझे लगता है प्रमोशन पक्का है। रुके रुके, पुलिस आ गई। आज एक साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसी बहादुरी करके दिखाई कि जितनी तारीफ की जाए वो कम है। हम सबको ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाने की जरूरत है ताकि देश में कभी कोई गुनाह ना हो। तुमने तो कमाल कर दिया गौतम। थैंक यू सर। बेटे गौतम, आजकल तो क्रिकेटर्स और पॉलिटिशियंस ही टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज बनकर छाए रहते हैं। मेरा दिल खुश हो गया तुम्हें टीवी पर देखकर। आज मैं तुम्हारे घर के सामने न लगवाने का सबके सामने ऐलान करता हूँ। खुश। आज मुझे पहली बार तुझ पर नाज हो रहा है। अरे तुम लोग रुक क्यों गए? नाचो गाओ, नाचो। साहेब, सुपरवाइजर साहेब, ऑफिस ने यह फैसला किया है कि जो पैसे तुमने बचाए हैं उसका 10% तुम्हें इनाम में दिया जाएगा। बड़े भाई, मुझे 1,00,000 रुपया उधार दोगे क्या? क्या उधार क्यों दूंगा? गुंडों को मैंने पकड़ा, ये मेरे मेहनत की कमाई है। सर, आप मुझे यहाँ खुशखबरी देने आए हैं ना? थोड़ी देर इंतजार करो, सब पता चल जाएगा। ए, ग्रहों ने व्हाट्सएप किया, तेरा वक्त बुरा चल रहा है। सर, सिर्फ मेरा प्रमोशन हुआ है कि लूट का 10% मेरे नाम हुआ है? प्रमोशन नहीं बेगद है, तेरा डिमोशन हुआ है। लूट की वारदात एटीएम के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, ये देख। भीड़ मत करो, हवा आने दो। अगर तुम अपने काम पर ध्यान देते तो यह हादसा ही नहीं होता। प्रवचन मत दो, मुझे प्रमोशन के बारे में बताओ। सच्चाई बताऊंगा तो तुम सुन ही नहीं पाओगे। बैंक ने हमारी सिक्योरिटी कंपनी को वार्निंग देकर छोड़ा है। शुक्र मनाओ तुम्हारी नौकरी नहीं गई। कितनी बदबू आ रही है, पता नहीं खान मुझे यहाँ क्यों ले आया, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया। आज से रोज तुम्हारी ड्यूटी यहीं पर होगी। यहाँ पर? यहाँ कौन सा खजाना गड़ा है? खजाना छोड़, अब तू अपने एरिया के बच्चों को बुलाकर यहाँ खेल सकता है, यहाँ कोई कैमरा नहीं है। इसकी तो किस्मत चमक गई, प्रमोशन में डंप यार्ड की खुशबू मिल गई। क्या रे गौतम, इनाम के पैसों से नया परफ्यूम खरीदा है क्या? बढ़िया खुशबू आ रही है। हीरो बनने के चक्कर में कहीं इसी ने तो चोरी नहीं करवाई थी? बाबा जी की तावीज पहनकर इसने तो अपना रेप भी करवा लिया है। अब अगर डंप यार्ड में गलती करेगा तो शौचालय में पोस्टिंग होगी। सिक्योरिटी एजेंसी ने लूट की इंक्वायरी शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से पता चला है कि सिक्योरिटी गार्ड गौतम के गैर जिम्मेदाराना बर्ताव की वजह से ये लूट हुई। लुटेरे तो पकड़े गए। आ गया बेवकूफ, अपने साथ हमारे बस्ती का भी नाम बदनाम कर दिया। ऐसे आदमी को तो यहां से धक्के मार के निकाल देना चाहिए। श्रीनगर कॉलोनी के एटीएम लूटने की घटना में एक नया ट्विस्ट आया है। गौतम जिसने लुटेरे को पकड़वाया उसी को उसकी लापरवाही के लिए वार्निंग दी गई है।
कितनी बदबू है, गटर साफ कर रहा था क्या? ए, जाके नहा ले जल्दी से, इससे अच्छी खुशबू तो मेरे सॉक्स से आती है। अब भी बदबू आ रही है, अगर आ रही है तो कसाई से अपनी चमड़ी उधेड़वा देता हूँ। आप एक पल के लिए बदबू बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मुझे रोज पूरा दिन उस बदबू में खड़े रहना है। आपने मेरी पढ़ाई बंद करवा दी, चार पैसे भी नहीं दिए, धंधा कर रहे हैं, बात करते हैं। एक बाप होने के नाते कभी पूछा है अपने बेटे को क्या चाहिए? बस पैदा करके बस्ती की गलियों में छोड़ दिया, न जाने कौन से जन्म का पाप था जो मुझे तुम जैसा बाप मिला। अरे अपनी करनी का मुझे क्यों दोष दे रहा है? अगर बच्चों को पैसे दिखाने ना ले गया होता एटीएम में तो ये दिन ना देखना पड़ता। अब तुम ही बताओ मेरी क्या गलती है इसमें? ये पहले से ही इतना गिरा हुआ है, अब इससे ज्यादा और कितना गिरेगा? ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। परेशान है बेचारा,